खबर हिमाचल से लेते हैं। हिमाचल के कुल्लू से गिरफ्तार संदिग्ध आईसिस अबिद खान ने कई खुलासे किए हैं। जुनूद उल खलीफा फिल हिंद भारत में आतंकियों की भर्ती कर रहा है। जुनूद उल खलीफा फिल हिंद फंडिंग और हथियारों की ट्रेनिंग का काम कर रहा है। इस तरह के खुलासे आबिद खान की तरफ से किए गए हैं। आईसिस के खिलाफ काम करने वालों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से आईसिस एजेंट आबिद खान से एनआईए पूछताछ कर रहा है और एक खुलासे आबिद खान ने किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष शुक्ला जी मीडिया संवाददाता फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के खुलासे आबिद खान की तरफ से किए गए? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि दिसंबर में कुल्लू से आबिद खान को अरेस्ट किया गया था और ये सीरिया जाने वाला था। कुल्लू में वो चर्च में रह रहा था और उसने अपने आप कैमरा में ताकि पहचान छुप सके। लेकिन जो इसने बयान दिए हैं एनआईए के सामने वो काफी चौंकाने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर उसके बयान को देखें तो उसने ये खुलासा किया है कि एक ग्रुप बनाया गया है जिसके तहत चार तरीके के टास्क दिए गए हैं। उसमें आईएसआईएस के लिए काम करना, रिक्रूटमेंट करना, पैसे का इंतजाम करना और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की लिस्ट तैयार करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना जो आईएसआईएस के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो तमाम मुस्लिम धर्म के भी हो सकते हैं या फिर इंटेलिजेंस के तमाम लोग हैं जो ऐसे युवकों को रोक रहे हैं कि वो इराक या सीरिया ना जाए। जो सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है जो बनाया गया है इसके तहत तमाम लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है और एक बड़ा देश में आईएसआईएस के लिए नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के खुलासे हुए हैं। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि तमाम ऐसे जो ग्रुप हैं जो आईएसआईएस से जुड़े हुए समर्थित ग्रुप हैं उन वो लोग जाकिर नाइक के और तमाम ऐसे जिहादी स्पीचेस देख रहे हैं जिसके जरिए वो ऐसे यूट्यूब पर उनकी स्पीच को सुन करके वो आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं और आईएसआईएस के लिए शामिल होने के लिए इराक और सीरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया मनीष फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल के कुल्लू से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआईएस आबिद खान ने कई खुलासे किए हैं और उसकी तरफ से ये खुलासे किए गए हैं कि भारत में कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं और आईएसआईएस के खिलाफ कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही है। इस तरह के बड़े खुलासे आबिद खान की तरफ से किए गए हैं।